क्या हाल है दोस्तों, मैं हूँ विकास तोमर, आपके अपने प्यारे चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज लेके आया हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ACF मेंस का जो पेपर होने वाला है हमारा 23 फेब से। नया शेड्यूल आ गया है, कोई चेंजेस नहीं है, लग जाइए। सिर्फ और सिर्फ 26 36 दिन बचे हुए हैं, ठीक है ना। 36 दिन मतलब इसमें 36 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके लिए हमने अपना पेड ग्रुप भी चालू किया, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं अब बाद में बताऊंगा। अभी जो हमारा यहाँ पे मुद्दा है वो है कि मैंने यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस और फॉरेस्ट्री, इन दोनों का पैटर्न कैसा आता है क्वेश्चन पेपर, इसकी एनालिसिस करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और आपको ये बताएंगे कि कितना टाइम आपको क्या लगाना चाहिए, कैसा क्वेश्चन पेपर आ रहा है, कहाँ कहाँ से आपको सोर्सेस क्या पढ़ने चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें बताने की कोशिश की गई है। आप लोग को ज़रूर देखना चाहिए ये एंड तक, ठीक है। देखिए सबसे पहले वही बेसिक चीज़ें, 8 क्वेश्चन होंगे। पहला और पांचवा क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी होगा, उसमें कुछ सब पार्ट्स होंगे। EVS का बता रहा हूँ अभी, ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस का। 150 वर्ड्स का इसमें कहते हैं कि आपको लिखना चाहिए, तो 150 वर्ड्स का है अगर, तो करीबन 1.5 पेज आपको लिखना चाहिए। 70 से 80 वर्ड्स का एक उसमें होता है, एक पेज में हो जाता, तो इतना ही लिखिए। वैसे तो वहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर शीट आती है उसमें स्पेस डिफाइंड होती है, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि खाली पूरी ब्लैंक क्वेश्चन पेपर आंसर शीट है, आप लिखते चले आएँ तो डिफाइंड है, लेकिन 1.5 पेज आपको मिलेगा, ठीक। 40 मार्क्स का हर क्वेश्चन होता है, टोटल 200 मार्क्स का है। इसमें दो तरीके के आते हैं EVS में, फॉरेस्ट्री में चेंज है, ठीक है ना, दे अभी बताऊंगा आगे। इसमें 8 × 5, ठीक है, 8 नंबर के 5 क्वेश्चन या फिर 20 नंबर के 2 क्वेश्चन, इस तरीके से आएंगे। 40 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ठीक। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि इसमें आपका कैसे डायरेक्टिव वर्ड्स पूछता है, बिल्कुल सिमिलर है। डायरेक्टिव वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि राइट ऑन, राइट नोट्स ऑन, ठीक। आंसर राइटिंग के लिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ आप लोग को, सभी के लिए है ये। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है EVS के पेपर में, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी में बताऊंगा अभी क्यों। देखिए डायरेक्टिव वर्ड्स राइट ऑन, ठीक है, या फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन दे देगा, या फिर साथ में बोल देता है कि डायग्राम बना के दिखाइए, ठीक। ओपन एंडेड भी क्वेश्चन दे देगा, तो ओपन एंडेड वाले क्वेश्चन जो होंगे उसमें आप डिफाइन करिए विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी इंडिया और वर्ल्ड का आप दीजिए, और साथ में डायग्राम बनाइए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। या फिर बोल देगा राइट नोट्स ऑन, जैसे कि एटमॉस्फेयर के लेयर्स या फिर लेवल्स बता देगा, तो इसमें ट्री डायग्राम बनाना पड़ेगा, ऐसे होता है ना, ऐसे फिर इसमें जो है अलग हो गए, इसके अलग हो गए, ये जो ट्री डायग्राम बनता है इसको ऐसे बनाएगा। और भी डायरेक्टिव वर्ड्स हैं, जैसे डिस्कस, डिस्कस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करिए क्या चीज़ है, ठीक, उसके प्रोज एंड कॉन्स, और आखिरी में कंक्लूजन, बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर उसके बाद आता है डिस्क्राइब, इसमें डायग्राम और डिफाइन दोनों ही आपको करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, ठीक है। अब पेपर 1 देख लेते हैं। पेपर 1 का मैंने एनालिसिस किया, इसमें देखिए क्या है। पहला जो क्वेश्चन आता है वो कंपलसरी है, इसके 5 सब पार्ट्स होते हैं। सारे ही पार्ट्स जो है, जो सिलेबस दे रखा है हमारा EVS का, उसके पार्ट A के विभिन्न, जैसे पार्ट A में 4 5 ब्रॉड वो टॉपिक्स हैं, तो सिर्फ ये नहीं, जो पहला क्वेश्चन 4 5 सब पार्ट्स हैं इस पहले क्वेश्चन के, ये सारे पॉइंट से आएगा इसमें से, कोई जरूरी नहीं कि इसी से इन्होंने 5ों क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। और सेम चीज़ जो है 5th क्वेश्चन साथ में है, लेकिन पार्ट B जो है EVS के सिलेबस का पेपर 1 के, उसमें भी पूछा जाता है, ठीक। तो मतलब पूरा सिलेबस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आप इसमें ये नहीं कर सकते सेलेक्टिव कि भाई पिछली बार ये आया था तो इस बार ये छोड़ देते हैं, इसके अलावा दूसरा आएगा, सिलेबस रिड्यूस हो गया और वो कर लिए। ये ACF का पेपर जो है ना, ये जर्नलिस्ट नहीं है, स्पेसिफिक स्पेशल नॉलेज चाहिए, टेक्निकल पेपर है। सिर्फ 2200 लोग हुए हैं, कंपटीशन बहुत हाई है, हालांकि सीटें ज़्यादा हैं लेकिन कंपटीशन कम नहीं है इसमें, ठीक है ना। इसीलिए आगे बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन अभी बताऊंगा आपको। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है पेपर 1 में, जो आपका EVS का है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है सिलेबस से। पेपर 2 में करंट अफेयर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, जैसे आपके सिलेबस में दे रखा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो अब इसको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आ रखे हैं ना, तो आपको वो पढ़ना चाहिए, पूछ सकता है। फॉरेस्ट्री में ऐसा किया भी उन्होंने 2017 वाले पेपर में, अभी जो पेपर 23 फरवरी से है वो कौन सा है, 2020 में 2018 वाला पेपर हो रहा है,
यूपीपीसीएस का ये हाल है। ठीक है, आगे देखिए। अब पेपर टू में भी उन्होंने क्या है कि सेम वो जो कंपलसरी वाली चीज़ है ना, सेम चाहे पहला हो चाहे पांचवा क्वेश्चन हो, उसी तरीके से आता है। सिलेबस के सारे पार्ट से कहीं से भी दे सकता है, तो आपको पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा सिलेबस को। ठीक है ना, कोई टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। और वैसे भी ईवीएस बहुत ही जर्नलिस्ट पेपर है, मतलब इतना जर्नलिस्ट पेपर है कि ज़्यादातर लोग का ईवीएस ही रहेगा मुझे लगता है सेकंड पेपर। ठीक है ना, कुछ लोग का अलग भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहाँ पे भी आते हैं। अब थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि पेपर को टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि मैंने कि 5 मार्क्स के लिए आप लोग एक पेज लिखिए, 5 मार्क्स के लिए एक पेज, तो मतलब 20 है, तो मतलब 4 पेज में, 4 पेज मतलब आगे पीछे, इतनी जगह मेरे ख्याल से वहाँ दी भी होगी। इससे ज़्यादा होगी तो सारे भरने की ज़रूरत नहीं है, इतना करिए और आगे चलिए, नहीं तो पेपर छूट जाएगा। ठीक, और पेपर भरने से नहीं, पेपर सही कंटेंट प्रेजेंटेशन, कंटेंट स्ट्रक्चर, इससे मिलेगा आपको नंबर। ठीक, एक पेज में एक पेज लिखिए 5 मार्क्स का। ठीक, 70-80 वर्ड होते हैं और 180 मिनट आपको मिलने हैं, तो मतलब 36 मिनट मान लीजिए, 36 क्या आप मान लीजिए 32-32 मिनट, क्योंकि कुछ तो अटेंडेंस भरना उन सब में निकल जाता है, तो 36 मिनट हर एक क्वेश्चन के लिए है। ब्रॉड क्वेश्चन जो होता है ना, इसके अंदर सब पार्ट्स होते हैं वो। अच्छा, ईवीएस जो है बहुत ही जनरल एक ऑप्शनल पेपर है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन। उसमें भी डायग्राम, हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाने हैं आपको। ठीक है ना, हर क्वेश्चन में डायग्राम आपको बनाने हैं, और कंटेंट बिल्कुल अप टू मार्क होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, ये नहीं उधर उधर की बातें लिख रहे हैं। स्ट्रक्चर भी आपका अच्छा होना चाहिए, जो भी क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स होते हैं आपको खाली उसी फोकस करना है। उसके अलावा थर्ड, अगर दो क्वेश्चन डिमांड में पूछे गए, क्वेश्चन में डिमांड दो चीज़ों की करिए, तो तीसरी चीज़ नहीं लिखनी है। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे भी एग्जामिनर बहुत मोनोटोनस रहता है, तो वो लोग देखना चाहते हैं कौन कितना प्रिसाइज लिख रहा है। तो ये बात तो थी ईवीएस की। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड अपने पेपर पे ऑप्शनल के, जो कि है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री की अब मैंने एनालिसिस करी है यहाँ पर, और इसमें भी देखिए पेपर वन में मुझे समझ में आया कि डायरेक्ट सिलेबस से टॉपिक्स लेता है, क्वेश्चन बनाता है, लेकिन पेपर टू जो है ना, ये भैया डायनेमिक आया है, बहुत डायनेमिक आता है। यहाँ तक कि मैं आगे बताऊंगा आपको कि पेपर टू में पेपर वन का पूछ लिया है, पेपर टू में पेपर वन के कुछ टॉपिक पूछ लिए गए, मतलब ये गड़बड़ है या पता नहीं गलती से आ गया है, कैसे हुआ है। यूपी स्पेसिफिक पूछता है, मैंने देखा ईवीएस में यूपी स्पेसिफिक नहीं पूछा गया है। ईवीएस 2017 में पहली बार आया, 2016 में तो था ही नहीं। ठीक, तो उसमें कोई भी क्वेश्चन यूपी स्पेसिफिक नहीं था, लेकिन फॉरेस्ट्री में यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछे गए हैं पेपर टू में, किसके, फॉरेस्ट्री में। और क्या क्वेश्चन थे कि लॉ कौन कौन से हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के यूपी में, या और दूसरा क्वेश्चन एक था कि यूपी फॉरेस्ट पॉलिसी क्या है 2017 की, और ये कैसे 1998 लिखा हुआ है बहुत ही सुंदर राइटिंग में, कैसे उससे अलग है। ठीक, यहाँ पे जो है फॉरेस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस हैं तो सारे 40 मार्क्स के, लेकिन कुछ डिफरेंस है, मतलब आपको 10 × 4 वाले में मिलेंगे, 8 मार्क्स × 5 क्वेश्चन वाले में, सब पार्ट्स में मिलेंगे, करना वही है, 5 क्वेश्चन करने हैं 8 क्वेश्चन में से, हर क्वेश्चन फर्स्ट और फिफ्थ तो आपका अनिवार्य है, क्वेश्चन कंपलसरी है, और हर पार्ट से आपको एक एक क्वेश्चन भी अनिवार्य है। तो मतलब आपका क्या रहता है कि आपका ये देखिए ऐसे रहता है, पार्ट ए और पार्ट बी से आपको या तो 3 यहाँ से कर लिए, 2 यहाँ से कर लिए, या फिर 2 पार्ट ए से कर लिए और 3 पार्ट बी से कर लिए, तो इस तरीके से 5 बाई 8, 5 बाई 8 हो जाता है। ठीक, तो मैं आपको ये बता रहा था यहाँ पे कि इसमें पहले वाले पेपर में मैंने देखा 10 × 4 भी क्वेश्चन थे, मतलब 10 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, 8 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स के 8 क्वेश्चन, मतलब कंपलसरी पेपर जो था 2017 वाला, मैंने देखा फिफ्थ जो नंबर का कंपलसरी पेपर था, फिफ्थ क्वेश्चन, वो उसमें 5 मार्क्स के 8 क्वेश्चन पूछ सकते थे। तो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट थोड़ा करिएगा, नहीं तो आप जो है लिखते चले जाएंगे एक में और वो हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है। पेपर टू में हालांकि 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मतलब 40 हो गए, और 8 मार्क्स के 5 क्वेश्चन 40 हो गए, वही 1/5 क्वेश्चन मैंडेटरी है, टोटल वही करने हैं, एक क्वेश्चन वहाँ से करना है हर पार्ट से आपको, तो 3 और 2 और 2 और 3 वाली बात हो गई। अब इसमें देखिए ब्रॉड क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके से, पार्ट ए और पार्ट बी से आएंगे। ठीक, जिसमें से आपके सब पार्ट्स होते हैं, मैंने मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया सबको ताकि बिल्कुल क्लियरिटी आ जाए। जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन तो इसके सब पार्ट्स होंगे, 6 नंबर क्वेश्चन इसके सब पार्ट्स होंगे,
नो मैटर हाउ मैनी बट ऑल फ्रॉम द ब्रॉड टॉपिक्स गिवन इन द सिलेबस। मतलब जैसे कि यहाँ पे मैंने ये चीज़ दिखाने की कोशिश करी, पेपर वन में ये चीज़ देखने को आई है क्या, कि फॉरेस्टिंग पेपर वन में क्या था कि कई सारे ब्रॉड टॉपिक्स हैं, सिल्वीकल्चर जनरल, सिल्वीकल्चर सिस्टम्स हैं, ठीक है, सिल्वीकल्चर मैनग्रूव्स आ गया, ठीक है, मैनग्रूव्स एंड कोल्ड डेजर्ट। तो कोई भी एक क्वेश्चन का जो सब पार्ट्स था ना, यहाँ पे सब पार्ट जो आ रहा था, तो उसके जो है अंदर, जैसे मान लीजिए जब पांच क्वेश्चन थे, तो पांच क्वेश्चन किसी एक ब्रॉड टॉपिक से उठा दिए, किसी एक ब्रॉड टॉपिक से उठा दिए, मतलब इससे ही। ठीक, ये पेपर वन में फॉरेस्ट्री मैंने ये एनालाइज किया है, लेकिन ऐसा पेपर टू में नहीं था, ठीक है ना, ऐसा पेपर टू में नहीं था। और जैसे इसमें ब्रॉड टॉपिक्स इसमें कितने, चार चार दे रखे हैं, पार्ट ए में, सेक्शन ए में फॉरेस्ट्री के पेपर में, सिल्विकल्चर जनरल सिस्टम, सिलेबस आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस पढ़िए, ठीक, एक सर्किल है, सर्किल है जो पढ़ाई का होना चाहिए, सिलेबस पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़िए, आंसर राइटिंग करिए, यहाँ पे एमसीक्यू तो होंगे ना, आंसर राइटिंग करिए, फिर अपने आप का इवेल्यूएशन देखिए कैसा है, किसी से भी करा लीजिएगा, खुद से कर लिया अभी वैसे टाइम तो नहीं, लेकिन खुद से भी कर सकते हैं आप, ग्रुप में हमारा जो है उसमें डालिएगा, चेक कर दिया जाएगा, मतलब कोई इसमें गारंटी के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाएगा, और फिर यहाँ से देखिए, फीडबैक लीजिए, फिर आंसर राइटिंग करिए, फिर पढ़िए, ठीक। तो ये एक सर्किल होता है, बहुत जरूरी है। अभी तक हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते रहते हैं और बस सोचते हैं कि एग्ज़ाम वाले दिन सब पूरी जो है लंका में अपनी जो है आग लगा देंगे, लेकिन होता होना ये चाहिए कि क्वेश्चन, मॉक क्वेश्चन हमको पहले लगाने चाहिए, वहाँ से सीख के फिर से पढ़ना चाहिए, और रिफॉर्म टू परफॉर्म करना चाहिए, हैशटैग रिफॉर्म टू परफॉर्म, अपने अंदर सुधार करते रहिए और परफॉर्म करिए आगे, ठीक है। तो सेक्शन इस तरह के ब्रॉड टॉपिक्स हैं, उसमें से क्वेश्चन पूछता है। अब जो पेपर टू है फॉरेस्ट्री का, उसमें करंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कि जो आपके टॉपिक्स दे रखे हैं ना, उस टॉपिक में ये आपका दे दिया कि फॉरेस्ट वर्किंग प्लान कोड 2014 बताइए, ठीक, ये डायरेक्टली नहीं दे रखा है। मणिकंदन जो एक बुक आती है फॉरेस्ट्री की, मैं जानता हूँ कि वो बिल्कुल उसमें टॉपिक वाइज दे रखा है, बट उसमें भी ये वाला टॉपिक नहीं दे रखा था, वर्किंग प्लान कोड 2014 वाला, ठीक है ना। इसी तरीके से इन्होंने सॉयल कंजर्वेशन, ये वाले जो चीज़ थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वाटरशेड मैनेजमेंट, मतलब ये वाला क्वेश्चन इन्होंने जो है पेपर टू में पूछ लिया, अभी बताता हूँ आगे कहाँ पर। अच्छा, इसमें एक और कैटेगरी भी था डायरेक्टिव वर्ड्स का पेपर टू में आपके फॉरेस्ट्री के, कि एस्से लिखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था, कंपलसरी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने मेंशन किया। जब भी एस्से लिखने के लिए बात आ जाए ना, या फिर कोई भी एस्से हो, तो उसको ऐसे ऐसे आप जो है ब्रॉड टॉपिक्स में करके फिर सोचा करिए क्या लिखूँ, वॉट, वेयर, वाई, हुम, वेन, हुम, ठीक है, वाई, हाउ और वेन, हुम, इस तरीके से आप करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी पॉइंट्स बनाने में, और फिर फ्लो चार्ट बना के आगे पीछे, और फिर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन थोड़ा सा धांसू कर दीजिए, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं टॉपिक, हाँ, ये जो चीज़ थी मैंने देखी इसमें, पेपर टू जो था वो पेपर टू के में पेपर वन के क्वेश्चंस पूछे गए थे, मतलब टॉपिक से उठा के भूल लिया। ऐसे दो एग्जांपल मुझे मिले कि एक तो ये ऊसर वाला सॉइल होती है ना, सेलाइन अल्कलाइन सॉइल, ये पेपर वन में दे रखा है कि इनका रिक्लेमेशन करें, पेपर टू में पूछ लिया फॉरेस्ट्री के, ठीक है। इसी तरीके से सीड ऑर्चर्ड का जो है आप बताइए कि कैसे क्लोनिंग करी जाएगी शीशम के लिए, ये भी पेपर वन में दे रखा है फॉरेस्ट्री के, लेकिन पेपर टू में पूछ लिया। तो कुछ कुछ मुझे लगा, पता नहीं शायद गलती से आ गया, लेकिन दो क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है इस पर कि गलती से आया या यहीं करते हैं ये लोग। तो डायरेक्टिव वर्ड्स वही हैं, डिस्क्राइब में आपको डायग्राम जो बनाना है एस्से का मैंने बता दिया, डिस्कस में आपको एक्सप्लेन करना है, प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं, और कंक्लूजन जरूर देना है डिस्कस वाले में। और उसके बाद है कुछ क्वेश्चन बहुत कॉमन टाइप के हैं, व्हाट, हाउ, डिफाइन कर दीजिए, या फिर डिफरेंशिएट वाले भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पेपर टू की ओवरऑल एनालिसिस फॉरेस्ट्री में मैंने ये देखी है कि ये डायनेमिक है काफ़ी, ये इसमें डायरेक्टली नहीं आता है, ठीक। एक क्वेश्चन तो था कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है आपका 1980, इसका सेक्शन टू बताइए, और ये कंपलसरी क्वेश्चन था, मैं क्या दे रखा है, मतलब पूरे एक्ट का वो अभी पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, अच्छे से। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है तो उसमें क्या सेक्शन है, कि मतलब 32 सेक्शन क्या कहता है, इस तरीके से भी आपको पढ़ना पड़ेगा, कौन सा सेक्शन जो है नेशनल पार्क बनाने के लिए है, समझ रहे, इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, ये चीज़ प्लानिंग करना है, जानना बहुत ज़रूरी है, और अंत में आप जब 36 दिन बचे हैं तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको तैयारी अपनी सही दिशा सही डायरेक्शन से करें, ठीक है ना। तो अब ये समझ में आता है कि पेपर टू में लीव नथिंग,
और ऐसा भी नहीं कि सिलेक्टिवली पढ़ लिया और जा चले गए, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है। पेपर टू में तो बिल्कुल नहीं करना है। हमने अपना जो है एक पेड ग्रुप चलाया है, ठीक है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे, और इसमें नंबर्स ये आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, इस पे आप फ़ोन करके ज्वाइन कर सकते हैं। ACF RFO मेंस 2018 के लिए कंप्लीट ग्रुप है। इस पे हिंदी भी है, ठीक, हिंदी ग्रामर और जो आता है लेटर राइटिंग और आपका एस्से, दो एस्से लिखने हैं, हिंदी में ही लिखने हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है, देखिए कन्फ्यूज़ मत होइए, और हिंदी की इंग्लिश वाले जो है प्रैक्टिस जो कर लेना, तो पेपर छूट जाएगा, बिल्कुल छूट जाएगा, ठीक है ना। दो एस्से लिखने हैं हिंदी में, बहुत लोग की क्वेरीज आ रही थी तो इसलिए मैंने यहाँ क्लियर कर दिया है, कोई इसमें डाउट नहीं है, ठीक। जनरल स्टडीज़ के दो पेपर हैं और दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, ठीक, मतलब ये MCQ टाइप के आएंगे, गोला बनाने वाले। इसका जो है मटेरियल अभी हम मैं दिखा दूंगा, अपने ग्रुप में भी हमने दे दिया है। ऑप्शनल पेपर फॉरेस्ट्री और EVS, इन दो के लिए हम पूरा जो है मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ जो ट्रेंड के हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी, उसके उसके लेक्चर्स भी देने की कोशिश की जाएगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी, पूरा तो नहीं पढ़ाया सकता अभी, लेकिन वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइज दी जाएगी। पूरा इनका जो है टॉपिक वाइज नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है ना, टॉपिक वाइज पूरे नोट्स दिएंगे, और एनालिसिस मैंने यहाँ पे आप लोग को दे ही दिए ताकि आप लोग का सही गाइडेंस रहे और आप लोग पूरा इसको करते जाएं। साथ ही साथ कोई भी डाउट आपको रहता है, देखिए ये जो हमारे पेड ग्रुप हैं ये कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज वाले हैं, यहाँ पे आपका 23 तारीख तक तो है ही है पेड ग्रुप ये, लेकिन ये चलेगा 5 दिन, मेरे ख्याल से होगा पेपर 28 फरवरी तक, तो 28 फरवरी तक हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है ना, हर समय पूरा बताते भी रहेंगे, कोई इंपॉर्टेंट है उस दिन भी लगता है 27 को भी भाई कि कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो भी दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए हमारा ये पेड ग्रुप हमने चालू भी कर दिया है, ये हमारा पेड ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपके जो है 10 लोग आ भी चुके हैं अभी, क्योंकि मैंने फ्लाइट मोड लगा रखा है इसलिए इसमें नहीं आ रहा है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और खूब पढ़िए, खूब एंजॉय करिए, खूब आगे बढ़िए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।